हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आज दोबारा आपके सामने एक खतरनाक सी वीडियो लेके आने लगा। बहुत ही खतरनाक वीडियो, बहुत ही खतरनाक लोगों की, ऐसे ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए आज कि लोग जब आप अपने हेल्थ को अच्छा बनाने की सोचेंगे तो उसके अंदर कई सारे आपको रावण नजर आएंगे जो आपको रोकेंगे। भी अगर तू पतला हो रहा है तो यार तू जिम क्यों जा रहा है? और तो जिम अगर तूने पैसे भर दिए तो तू पतला कैसे हो जाएगा? जिम में पैसे भर के ही तू फिट होगा। तो ऐसे ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, आपके आपके क्लीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, वो सब ऐसे ऐसे कलाकार भरे बड़े हैं यहाँ पे दुनिया में जो आपको रोकेंगे काम करने से। पर मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, अगर वहाँ पे एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो आप कुछ करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करने जा रहे हैं यार। आप आपकी लाइफ हेड पे है ना, तो वो पलट के टेल हो जाएगी। जब आप फिट होते हैं तो आपकी लुक बहुत डिफरेंट होती है, और जब आप फैटी होते हैं तो आपकी लुक बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो जब आप जिम ज्वाइन करने जाते हो, ऑब्वियस आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं, यार भाई तू शाम को तो हमारे साथ घूमता था, अब तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू? तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। आप उनको बोलोगे भी नहीं यार मैं तो जिम ज्वाइन कर लिया, यार मैं 4 से 6 तो मैं जिम जाता हूँ, है ना, तो वो आपको गलत गलत सलाह देंगे, यार तू क्या कर रहा है यार। और सब पूछेंगे यार तू जिम क्यों जा रहा है? अगर आप बोलोगे यार मैं तो फिट होने के लिए जा रहा हूँ, मैं पतला होना है यार, मैं मोटा हूँ, कई जैसे भी हैं, कोई कहेगा मैं फैटी हूँ यार मैं पतला होना चाहता हूँ, है ना, कोई कहेंगे यार नहीं मैं बॉडी बनानी है, मेरा कोई गोल है कुछ है, तो आपको आपके फ्रेंड्स नहीं है तरह तरह की सलाह देंगे, यार क्या यार तू क्या पैसे वेस्ट कर दिए तुमने जिम में जाके, क्या करेगा वहाँ, कुछ नहीं होना तेरे से, ऐसे ही होता है जिम कुछ नहीं होता, वो दर्द होएगा मसल में ऐसे ही है वो। तो आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब आप शुरू करते हो, जब आप करना शुरू करोगे, जब और आप और एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, फिर वही लोग आपको बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, तू बड़े अच्छे इतने कपड़े पाए हैं यार, इतना मज़ेदार लग रहा है। तो वही है कि आपने लोगों को नहीं सुना, लोग आपको क्या बोलते हैं। यार ये फिटनेस आपकी अपनी है, आपकी अपनी लाइफ है, इसको आपको ही ठीक करना है। तो इसमें आपने लोगों के बारे में नहीं सोचना कि लोग क्या सोचते होंगे, नो इट्स योर लाइफ, आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है, आपने लोगों के लिए एक आइकन बनना, आपने लोगों के लिए एक गोल सेट करना है कि लोग आपकी तरह बनना चाहें, लोग आपको अप्रिशिएट करें कि नहीं मैं आपको देख के मैंने जिम जाना शुरू किया, यार आप जिम एक्सरसाइज करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो लोगों के लिए आप मोटिवेशन बनो तो ठीक है। तो लोग तो आपको यार देखो हर एक तरह का आदमी, क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत है, अप्रिशिएट करने वाले भी बहुत हैं, तो बट इट्स योर लाइफ कि आपको उसको कहाँ किस पाथ पे लेके जाना है। तो ये मत सोचना कि लोग कहेंगे भी यार जिम में पैसे दे दिए तो तुम पतला हो जाओगे, या जिम पतले होने के लिए जा रहे हो बॉडी, ऐसा कुछ नहीं। हम अपने आप को फिट करने के रखने के लिए जा रहे हैं, हर एक बंदा बॉडी बनाने नहीं जा रहा, हर एक बंदा फिट होने जा रहा है कि मैं अपने आप को किस लेवल पर ले जाके फिट रख सकता हूँ। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है, लोगों की बातें ना सुनो कि पैसे भर के ऐसे जिम में हमने वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं, आपने अपनी हेल्थ के लिए भरे हैं यार, आपने अपने फायदे के लिए भरे हैं कि आप अच्छे दिखोगे उससे, उससे आपकी लुक अच्छी होगी। तो मेरा ये कहने का ये मतलब था इस वीडियो में कि लोगों की बातों में ना आए तो ज़्यादा बेटर है। जिम में अक्सर आपने पैसे दिए हैं तो उसका अच्छा मज़ा उठाएं, वर्कआउट करें, मेरी तरह दिखें थोड़ा सा, यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाएंगे अगर आप पैसे खर्चते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ये भी इन्वेस्टमेंट का एक तरीका ही था जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट की भी है मैंने इतनी ज़्यादा तो दिख रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी ऑन रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट, और नीचे लिंक है उसको जाके सब्सक्राइब करें और उसमें कमेंट्स एंड शेयर करें, और इस वीडियो को और फैलाएं कि मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।